देश भर में जातीय आधारित जनगणना को लेकर विभिन्न विपक्षी दलों का प्रदर्शन तेज हो गया है। इसी क्रम में बिहार के प्रमुख विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने जातिगत आधारित जनगणना की मांग को लेकर अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। इसी क्रम में शनिवार को राजद के कार्यकर्ताओं ने अपने अपने जिलों के मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। राजद के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ जिले के तमाम विधायक भी मौजूद दिखे। इस दौरान नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की जाति आधारित जनगणना विरोधी नीति का भी जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया। बता दें कि मुजफ्फरपुर में जिला राजद और महानगर राजद के कार्यकर्ताओं ने जाति आधारित जनगणना की मांग को लेकर एक प्रतिवाद मार्च को निकाला और पैदल मार्च करते हुए राजद के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के कार्यालय समाहरणालय परिसर के पास प्रदर्शन किया। नरेंद्र मोदी जी के लिए है इसलिए कि जिसकी हो जितनी हिस्सेदारी उतनी हो उसकी भागीदारी। मन इनके राजपाट में सारा लूट किया, सारा युवा बेरोजगार, सारा महिलाएं जो बेरोजगार, सभी के घर में तरा इमाम। इसीलिए हम लोगों का जो ये मांग है कि जातीय जनगणना कराई जाए और इससे जो है युवा पीढ़ी को जो है न्याय मिले, ताकि जो मैंने कहा फर्स्ट में ही कि जिसकी जितनी हो हिस्सेदारी उतनी हो उसकी भागीदारी। राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी हाय। मंडल आयोग की जो सिफारिश है उसको लागू करने के लिए और जातीय जनगणना को लागू करने के लिए आज पार्टी द्वारा प्रस्तावित प्रदर्शन में हम लोग शामिल हुए हैं और पूरी ताकत के साथ और पूरी मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ये जातीय जनगणना कराएं, क्योंकि अगर जातीय जनगणना होती है तो जिसकी जितनी हिस्सेदारी है उतनी भागीदारी होगी। इससे खास करके युवाओं को और जो हमारे जो पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनको फायदा पहुँचेगा, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ये एक खास वर्ग को फायदा पहुंचाना चाहती है, जिसकी वजह से ये इस सिफारिश को लागू नहीं करना चाहती। जातीय जनगणना के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू जी भी पहले से आवाज उठाते रहे हैं, सदन में भी पारित हुआ, सर्वसम्मत से पक्ष विपक्ष ने पारित किया कि जातीय जनगणना होना चाहिए और 2021 में था कि हाँ जातीय जनगणना होगा। फिर किस आधार पर जो है OBC को, पिछड़ा को, अति पिछड़ा को छांटा गया? संख्या जब तक हमको नहीं मालूम होगा कि हाँ संख्या हमारी क्या है, जिसकी जितनी जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए, आबादी के अनुसार ही आरक्षण का भी लाभ मिलेगा लोगों को। अब जिसकी आबादी 2% है वो 10% आरक्षण ले लिया, और जिसका आबादी जो है 40% है वो 10% पर लटक गया। तो ये तमाम जो विषमता है उसको दूर करने के लिए जातीय जनगणना जरूरी है और इसके लिए शुरू से राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता ने आवाज़ उठाया है। रही बात की मंडल कमीशन जो लागू हुआ उसमें पूरी तरह से उसको लागू किया जाए। अब ऐसा नहीं कि एक आध को कर दिया फिर छोड़ दिया, जो लाखों लोग हमारे जो वंचित रहे हैं रोजगार से उनको जो है जो क्या बैकलॉग उसको आप पूर्ण कीजिए। तो इन तमाम समस्या जो है जनता के हित की बात है और तेजस्वी जी बराबर रोजगार की बात करते, बेरोजगारी खत्म की बात करते, बराबर वो आरक्षण का मुद्दा उठाते। तो इन तमाम मुद्दा पर राष्ट्रीय जनता दल आज प्रदर्शन किया है और आगे भी अगर इस पर नहीं हुआ कार्रवाई, नीतीश जी से जाकर मिले हमारे नेता, नीतीश जी ने भी सहमति दिया है, तो जातीय जनगणना अगर नहीं हुआ और ये मंडल कमीशन आयोग का जो है पूर्ण रूप से उसका लागू नहीं किया गया तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आगे भी